शाहरुख खान के हाथ लगा अब ये बड़ा रिकॉर्ड। साल 2024 की शुरुआत होते ही शाहरुख ने अपने नाम और भी रिकॉर्ड्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। इस बार किसी नई फिल्म के साथ नहीं बल्कि अपनी पुरानी रिलीज हुई फिल्मों से ही शाहरुख ने नए इतिहास बना डाले हैं। खबर है कि किंग खान अब बॉक्स ऑफिस के राजा बनने के बाद अवार्ड शो पर भी हुकूमत करने वाले हैं। देखिए 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के नॉमिनेशन अनाउंस हो चुके हैं। 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का इवेंट गुजरात टूरिज्म के साथ मिलकर 28 जनवरी को गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। ये बॉलीवुड फिल्मों के सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक माना जाता है और इसी अवार्ड सेरेमनी में शाहरुख ने बाजी मार ली है। खबर आ रही है कि बॉक्स ऑफिस के बाद फिल्म फेयर अवार्ड में भी शाहरुख खान का दबदबा दिखने वाला है। दरअसल इस साल जो फिल्म फेयर अवार्ड 27-28 जनवरी को होने वाला है उसी का नॉमिनेशन लिस्ट जारी किया गया है और इस बार फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में शाहरुख खान ने इतिहास रच दिया है। इस बार शाहरुख ने 41 नॉमिनेशन अपने नाम कर लिए हैं। बीते साल शाहरुख खान की 3 फिल्म पठान, जवान और डंकी थिएटर में आई थी। तीनों ही फिल्में एक से बढ़कर एक थी। नॉमिनेशन लिस्ट के अनुसार बेस्ट फिल्म के लिए शाहरुख की जवान, पठान समेत 4 और फिल्में नॉमिनेट हुई हैं। और तो और शाहरुख खान की जवान और पठान को 16 नॉमिनेशन मिले हैं, वहीं डंकी ने 9 नॉमिनेशन हासिल किए हैं। हालांकि फिल्म फेयर की बात करें तो शाहरुख तो इस मामले में भी टॉप पर आ गए हैं और दूसरे नंबर पर रणबीर कपूर की एनिमल है। वहीं कुछ और फिल्में हैं जैसे विक्रांत मेसी स्टारर 12th फेल को भी कुछ मेजर कैटेगरीज में नॉमिनेशंस मिले हैं। इस कैटेगरी में फिल्म एनिमल के लिए रणबीर कपूर, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए रणवीर सिंह, गदर 2 के लिए सनी देओल और सैम बहादुर के लिए विक्की कौशल को नॉमिनेट किया गया है। उन्हें संबंधित फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स कैटेगरी के साथ ही डंकी के लिए बेस्ट को एक्टर कैटेगरी में भी नॉमिनेट किया गया है। कुल मिलाकर फिल्म फेयर में तो शाहरुख खान का ही डंका बजने वाला है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।